हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूँ सैंपल हाउस दिखाने गाइस। तो ये हमारा 100 गज का हाउस रहेगा, जिसका फ्रंट है 20 और इसकी लेंथ है 45 फीट। तो गाइस 100 गज का आपका ये जो हाउस है, इसमें ये हमारा 3 BHK है, ग्राउंड फ्लोर में हमारा 2 BHK बना है और फर्स्ट फ्लोर में 1 BHK बना है। अगर आप रेंटल पर्पस से भी देखते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फेस स्टाइल का हमने यहाँ पे वर्क किया है। प्रॉपर लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं। आपका फर्स्ट फ्लोर में जो है टफन का ग्लास और विद स्टील की रिलिंग हमने यहाँ पे लगाई है। इसी के साथ ही इस साइड को देखें तो हमने यहाँ पे वर्क दिया है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ जाता है आपका स्टेनलेस स्टील का गेट और विद वुडन के टच के साथ। ये देख सकते हैं काफ़ी यूनिक और सिंपल डिज़ाइन के साथ हमने इसको बनाया है। इस साइड से अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो ये आ जाता है आपका पार्किंग एरिया, जो आपको काफ़ी स्पेशियस गाइस पार्किंग एरिया यहाँ पे मिल रहा है। स्टेयर्स के नीचे आपको स्पेस रहेगा। और इस साइड को देखिए तो कॉर्नर विंडो रहेगी आपकी, और हमने बाहर टैप के लिए भी आपको बीच में प्रोविज़न दिया है, ताकि आपने अगर कार वगैरह वॉश करवानी हो तो वो भी आप इजीली करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमने यहाँ पे देखे तो काफ़ी अच्छी लाइट का वर्क किया है। अगर हम ऊपर की तरफ को देखें तो प्रॉपर आपकी लाइट्स रहेगी, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही एंकर ब्रांड के हमने यहाँ पे स्विचेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वी गार्ड की आपकी वायरिंग रहेगी। तो गाइज एक ये आ जाता है बड़ा सा आपका वाइड डोर, जो कि हमारा प्रॉपर 8 फीट तक रहेगा। और इसी के साथ ही हमने एंटर कर दिया है अपना लिविंग एरिया। और डोर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये हमारा जो है वुडन का डोर रहेगा प्रॉपर। तो हम पहले इस डोर को बंद कर देते हैं, बिकॉज बाहर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये आपका आ जाता है लिविंग एरिया, जो काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ लिविंग एरिया मिल रहा है। कॉर्नर हमने सोफा प्लेस करा है, और प्लस एक कॉर्नर आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है। ये देखें आप, कॉर्नर विंडो रहेगी। और अगर आपको सेम एज इट इज इसी तरह से चाहिए, ऐसे भी मिल जाएगा। सेमी फर्निश्ड घर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। एसी के लिए बीच में प्रोविजन है, डाउन सीलिंग आपकी रहेगी, और बीच में आप फैन वगैरह भी लगाना चाहे वो भी आप लगा सकते हैं। गाइज अगर हम इसके साइज की बात करें, इसका जो साइज रहेगा डायमेंशन, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप चेक कर सकते हैं। वॉल पे हमने काफी अच्छा वॉलपेपर लगाया है, ये सैंपल हाउस में हमने लगाया है। और इसके साथ ही एक और हमारा हाउस रेडी हो रहा है, उसमें हमने POP का वर्क करा है, वो भी मैं आपको जल्द उसकी वीडियो दिखाऊंगी गाइस। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा था लिविंग एरिया, जो काफी स्पेशियस। और लिविंग एरिया के बिल्कुल ही फ्रंट में आपको यहाँ पे देखे तो LCD पैनल के लिए प्रोविजन मिल रहा है। LCD पैनल देखे तो काफी स्पेशियस है, यहाँ पे आप अपनी LCD लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही इधर को आते हैं तो ये आ जाता है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया देखे तो गाइज अगर मैं यहाँ पे देखते हैं एक बार, मैं सोफे वाली जगह पे चले गई हूँ अभी, तो अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ या कोई गेस्ट आपके घर पे आते हैं तो किचन की प्रॉपर प्राइवेसी बने रहे, तो इसलिए ये हमने किचन को सेपरेटली बनाया है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे कुछ भी अपना किचन को कवर करने के लिए, जैसे आजकल आ रहे हैं ग्लास आ रहे हैं या वुडन का कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो उससे आपकी किचन भी कवर हो जाएगी। तो ये देखिए गाइज, ये काफ़ी अच्छी वाइड किचन आपको यहाँ मिल रही है। 8x10 का इसका साइज रहेगा। और ऊपर की तरफ को आपको झूमर, डाउन सीलिंग, और इस साइड को देखिए प्रॉपर कैबिनेट्स। और यहाँ पे देखिए तो आपको गीजर के लिए प्रोविज़न और RO के लिए बीच में प्रोविज़न। और काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे हाई क्वालिटी का वुडन यूज़ करा है। और इसी के साथ ही आ जाते हैं आपके यहाँ पे आप अपना गैस स्टोव इजिली प्लेस कर सकते हैं। और ये जो है ये आपकी आ जाती है पाइप गैस की, यहाँ से आपके गैस का कनेक्शन होगा। और सिलेंडर आपका बाहर जो यूटिलिटी एरिया है, स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है, वहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं। और प्रॉपर नीचे भी कैबिनेट्स रहेंगे, सारे प्रॉपर हाइड्रोलिक कबर्ड्स हमने यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं। डिश वॉशिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था हमारा किचन एरिया। ये आ जाते हैं हमारे दोनों बेडरूम के डोर्स, ये देख सकते हैं काफ़ी वाइड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस साइड को, ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज 10x12 का रहेगा। वॉलपेपर मैच करता हुआ हमने यहाँ पे बेड लगाया है। बोथ साइड 2-2 फीट या 3-3 फीट की जगह रहती है, जहाँ पे आप इजीली अपने साइड टेबल लगा सकते हैं। इस साइड को देखें तो गाइज ये आ जाते हैं आपके कबर्ड्स, स्लाइडिंग डोर्स हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए हैं फुल हाइट तक।
और इसी के साथ ही इस सेट को देखिए तो बेड के बिल्कुल ही फ्रंट में आ जाता है आपका एलसीडी पैनल। ये इस सेट को कर्टन के पीछे ही आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है और एक आपका वॉशिंग एरिया के लिए डोर है, वो बाद में दिखाती हूँ, पहले हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो ये आ जाता है आपका वॉशरूम जो 5x6 के आपके वॉशरूम के साइज रहेगी और इसमें 8 फीट तक हमने टाइल का वर्क किया है। प्रॉपर गीजर के लिए प्रोविजन, क्लोथ होल्डर और मिरर, वॉश बेसिन, जो भी हमने यहाँ पे बाथ फिटिंग आपको करवा रहे हैं वो आपको देंगे हम सेहरा ब्रांड की बाथ फिटिंग, ये देख सकते हैं। और ये आपके आ जाते हैं कॉर्नर, तो इसी के साथ ही आ जाती है आपकी वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये देख सकते हैं, ये आपकी आ जाती है बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए विंडो। तो अब इसी के साथ ही एक सेकेंड इस साइड को चलते हैं, तो ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया और यहाँ पे टैप्स के लिए प्रोविजन है। विंटर में जैसे क्लोथ्स वगैरह आपने वॉश करने हैं तो हमने गीजर के लिए भी बीच में आपको प्रोविजन दिया है। तो गाइज ये हमारा ये हमारा 100 गज में बना हुआ हाउस है जिसका साइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, या जाता है हमारा सेकंड बेडरूम और यहाँ पे हमने बीच में जो है बेड प्लेस करा है, ये देख सकते हैं आप। बेड के साथ ही अगर उस साइड को देखें तो ये आ जाते हैं हमारे कबर्ड सेक्शन, फुल हाइट तक आपके कबर्ड्स रहेंगे। और वॉल पे देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है फैंसी लाइट्स के लिए प्रोविजन दिया है और वॉलपेपर काफी अच्छे डिजाइन के साथ हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है। और बेड के बिल्कुल ही फ्रंट में आपको आ जाता है एलसीडी पैनल ऊपर की तरफ को, डाउन सीलिंग विद फैन, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही इस साइड को देखिए तो ये आ जाती है आपकी वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो और ये आ जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम का साइज भी सेम है, फुल हाइट तक आपकी 7 फीट तक टाइल वर्क रहेगी, गीजर के लिए प्रोविजन और वेंटिलेशन के लिए विंडो। और ये आ जाते हैं आपके कॉर्नर और यहाँ पे देखिए बाथ फिटिंग सेहरा ब्रांड की है, प्रॉपर एज इट इज आपको इसी तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसमें जो है आपकी जो भी स्टेयर्स रहेगी वो आपकी बाहर से ही रहेगी और ये देखिए ये हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स जाती है और बाहरी ऊपर हमने यहाँ पे मीटर बॉक्स के लिए आपको प्रोविजन दिया है, इसके अंदर आपके मीटर रहेंगे और स्टेनलेस स्टील की हमने यहाँ पे रेलिंग लगवाई है। और इसी के साथ ही अगर हम इस सेट को देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क मिलेगा जो काफ़ी डिफरेंट है और यहाँ पे हमने वॉलपेपर का डिज़ाइन दिया है। 2 फीट की आपकी गैलरी रहेगी और इस सेट को आ जाती है आपकी बालकनी, तो बालकनी देख सकते हैं, आसपास को काफ़ी हाउसेस बने हैं, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है गाइज, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, बहुत सारी फैमिलीज वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे रह रही है, बच्चे रह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस घर को परचेज करते हैं इजीली आप यहाँ से अच्छा खासा रेंट आप अर्न कर सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं फर्स्ट फ्लोर के किचन में, तो ये आ जाती है आपकी किचन एरिया, ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे किचन मिल रहा है। 4 आपको यहाँ पे टैप्स मिल रहे हैं और वॉश बेसिन रहेगी और इस साइड को आपको गीजर के लिए प्रोविजन, ऊपर आपको आरओ के लिए प्रोविजन और यहाँ पे हमने प्लस माइनस का वर्क करा है, तो गाइज देख सकते हैं। और ये आ जाती है आपकी कबर्ड्स और इसी के साथ ही इस साइड को देखें तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम एरिया। बेडरूम एरिया काफ़ी स्पेशियस है और एल टाइप में आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है और इस साइड को देखें तो ड्रेसिंग एरिया आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी के साथ इस साइड को आपके रहेंगे कबर्ड्स, तो काफ़ी अच्छा जो हम आपके लिए यहाँ पे घर लेके आए हैं। और बेडरूम और हॉल के साथ ही हमने कॉमन आपको वॉशरूम दिया है, सेम एज इट इज ऐसी है और इस साइड को आपका ओपन एरिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और इसी के साथ ही लॉक खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये देख सकते हैं ये प्रॉपर हमने कवर कर रखा है, ओपन एरिया है, यहाँ पे आने वाले टाइम में आप अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाहें वो भी आप करवा सकते हैं। और तो ये थी हमारी 1 BHK हमारा जो फर्स्ट फ्लोर में है वो, और इसी के साथ ही ये 3 BHK हाउस की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इसका जो प्राइस है गाइस वो रहेगा आपका 62,90,000 सेमी फर्निश्ड का,
और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपका बजट कम है और कम बजट के घर भी हमारे पास अवेलेबल है, आप आके हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर आपको मेंशन किया है, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसी तरह से हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए आपके बजट के घर लेके आए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।